मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप? या फिर मैं कहूँ, हे गाइस, हाउ आर यू? सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा है, भारत का राजपत्र, द गैजेट ऑफ इंडिया। और ये जो गैजेट है, ये किससे रिलेटेड है? तो गाइस, ये रिलेटेड है द मोटर व्हीकल एक्ट 2019 का ये जो अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, इससे रिलेटेड है। अब देखिए क्या अमेंडमेंट हुए थे। तो क्या आप जानते हैं कि ये जो अमेंडमेंट हुआ था, ये एक्ट कौन सा? तो देखिए, बेसिकली गाइस, इंडिया में जो है मोटर व्हीकल एक्ट की कहानी बहुत पुरानी है। मोटर व्हीकल एक्ट जो है, सबसे फर्स्ट टाइम जो है आपका 1914 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल किया करते थे, ठीक है। और ऐसे ही जो है, सबसे पहला जो एक्ट पास हुआ, जिसे हम बोल सकेंगे, जैसे कि हम इसे बोलते हैं इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट, या फिर द मोटर व्हीकल एक्ट बोलते हैं ना 2019, तो वैसी जो 1914 में जब ये पास हुआ था, जब ये लागू हुआ था, तो इसमें टोटल जो है 18 सेक्शंस हुआ करते थे। अब 18 सेक्शंस हुआ करते थे, आप सोच रहे ना, अभी जो आपको पता है प्रेजेंट पे, इसमें मोर देन 217 सेक्शंस हैं। बेसिकली हम 217 सेक्शंस ही देखते हैं इसमें टोटल, लेकिन अभी प्रेजेंट में 217 सेक्शन से ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि जो 2019 में अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है इसमें, तो उसकी वजह से, ठीक है। और टोटल जो है अभी प्रेजेंट में 14 चैप्टर्स हैं। पहले चैप्टर में क्या होता है कि बेसिकली वही डेफिनेशन क्लॉज और उसका एक्सटेंट, ये कहाँ तक एक्सटेंट होएगा, ठीक है। तो ये ऑल ओवर इंडिया एक्सटेंट होता है, पूरा जम्मू कश्मीर तक। और नाम आपको पता ही है, द मोटर व्हीकल या मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1988, है ना। और शेड्यूल टू के अंदर जो चीज़ें आती हैं, वो हो जाती है कंपनसेशन फॉर द थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी क्या है, सेकंड पार्टी क्या है, फर्स्ट पार्टी क्या है, ये सब आप जानेंगे इस वीडियो पे, तो बने रहिए। फिर 1914 में जो आपको पता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गया था, और जो ब्रिटिश प्रोविंस था उसमें इंडिया भी हुआ करता था, तो ज़्यादातर जो है उसमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इंडल्ज्ड हो गए लोग। उसके बाद जो है 1919 के बाद जो दूसरा आया था इससे रिलेटेड एक्ट जो था, मोटर व्हीकल एक्ट, 1939 में आया था। अब 1913 में आया था, तो उसके बाद 1939 से लेके 1988 तक चला। फिर हम बात करेंगे अभी जो प्रेजेंट में हमारा है। तो देखिए गाइस, 1988 में जो है फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस होता है आफ्टर द इंडिपेंडेंस, क्योंकि पहला जो है वो तो ब्रिटिशर्स टाइम में होता है ना, 1939 में। सो इंडिया में 1988 में, ठीक है, डेट होती है 14 अक्टूबर 1988 को जो है ये इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट पे, और 1 सितंबर 1989 को इसको ऑल ओवर इंडिया इनेक्ट कर दिया जाता है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ द देन जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अब यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये जो इसका जो एक्सटेंट है, ठीक है, और इसका जो शॉर्ट टाइटल है क्या, मोटर व्हीकल एक्ट 1988। अब 2019 में इसमें अमेंडमेंट हुआ है और बहुत सारी चीजें हैं, तो देखेंगे इसके एक एक करके सारे प्रोविजंस। सो स्टे ट्यून्ड। मोटर व्हीकल एक्ट 1988, तो 1988 का ये जो कानून है, यही जो अभी पूरी इंडिया में लागू है, और इसमें 2019 में जो है लेटेस्ट संशोधन हुआ है। ऐसा नहीं है कि 2019 में ही हुआ है, 2016 में भी हुआ है, और भी एक दो बार और हुआ है, तो लेकिन वो हमारे लिए कुछ ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि टू रेगुलेट ऑल द मोटर व्हीकल्स एंड ऑल्सो टू रेगुलेट इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एक्सीडेंट। देखिए हमारे आम जिंदगी में, हमारे लोकल लाइफ में क्या होता है कि बेसिकली हम बाजार जाते हैं, स्कूल्स जाते हैं, तो इतनी पॉपुलेशन हो गई है आजकल कि एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत रहते हैं। और ऐसे में भी जो कुछ उत्पाद व्यक्ति हैं, जैसे कि 18 साल से कम के नीचे के लड़के, जिनको बाइक चलानी आ जाती है, वो क्या करते हैं, दो दो तीन तीन चार चार जन लेके जाते हैं, ओवर स्पीड में चलाते हैं और कहीं जाके उसको ठोक देते हैं, या फिर क्या बोलते हैं कि जो मेजर भी होते हैं वो लोग चोरी चकारी वगैरह करते हैं और गलत तरीके से बाइकों का यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों को, इससे क्या होता था, एक भारी अमाउंट में जो है एक्सीडेंट हुआ करते थे, ठीक है, एक क्राइम हुआ करता था। तो इस क्राइम को रोकने के लिए, इन एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए एक ऐसे नियम्स बनाए गए हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए अगर तुम कोई भी एक्ट पास करोगे, तो उसके लिए अगर नियम वगैरह नहीं बनाओगे तो काफ़ी हद तक जो है हो जाएगा। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए यू हैव टू मेक सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो वैसे ही एक रूल्स और रेगुलेशंस है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का।
देखिए, आपको गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, गाड़ी को रजिस्टर करवाना पड़ता है, ठीक है, और इंश्योरेंस होना ही होना है, और अगर इंश्योरेंस ना होता है तो पुलिस वाले चालान काट देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जानेंगे आज की वीडियो में कि वो सारे क्या प्रावधान है और क्या कुछ है, तो बने रहिए वीडियो में गाइज, स्टे लास्ट टू द वीडियो, प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड दिल थाम के बैठिए। आपको पूरी इंफॉर्मेशन आज मैं क्लियर करने वाला हूँ, और विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी हसल एंड बसल, सो हियर वी गो। और ये आपको मैंने सब कुछ मैं बता दिया है कि 1914 में सबसे पहले जो मोटर व्हीकल एक्ट आया था इंडिया के लिए ब्रिटिश एरा पे, 1939 पे आया, 1989 का जो आया 2019 में अमेंडमेंट हुआ इसमें, और यही जो 1988 में जो आया था, ठीक है, यही जो अभी चल रहा है, और 1989 का मोटर व्हीकल एक्ट बोलते हैं इसको, मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1988, सॉरी, ठीक है। सो देखिए, इसमें जो है मैंने आपको बताया था कि 2 शेड्यूल्स होते हैं, 14 चैप्टर्स हैं, एंड अराउंड 217 सेक्शंस हैं, जिसमें अगर हम सब सेक्शंस भी देख लें और उस फिर उसके सेक्शंस, सब सेक्शंस के फिर क्लॉजेस देख लें, तो ऐसे तो बहुत सारे जो है अमेंड होके आ चुके हैं। तो हमें याद रखना है कि 217 सेक्शंस, जो पहला सेक्शन है वो टाइटल और एक्सटेंट बताता है, ठीक है, कि टाइटल इसका क्या होगा, मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1988, ठीक है, डेफिनेशन और एक्सटेंट, एक्सटेंट इसका कहाँ होगा, ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग द देन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का जो उस समय स्टेट हुआ करता था, ठीक है, अब तो यूनियन टेरिटरी, तो वहाँ पे भी लागू होता है 2019 से। और इस पे जो आप देख रहे हैं कि सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी है, जैसे कि हैवी व्हीकल क्या होगा, हैवी व्हीकल वो होगा जिसका जो वजन होगा विदाउट एनी मटेरियल, जैसे रेता, ईट वगैरह सब लाते हैं ना कॉमर्शियल व्हीकल में, ठीक है, जो सामान ढोने के काम आती है, तो उसका जो खाली गाड़ी होगी उसका वेट जो है 120 क्विंटल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि आप कह सकते हैं कि 12 टन से ज़्यादा नहीं होगा गाड़ी का वेट। और अगर वहीं लाइट मोटर व्हीकल की बात करें, जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं, कार और ये वगैरह जो पैसेंजर्स ले जाने के लिए काम आती है पहाड़ों पे, बेसिकली कहीं भी आप जाएं ऑल ओवर इंडिया में तो वहाँ टैक्सी वगैरह होती, तो ये लाइट मोटर व्हीकल कहने का मतलब वही है, हमारी पर्सनल कार हो गई या फिर वो जो कॉमर्शियल तरीके से हम रेंट पे लेके जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें, उसका भार होना चाहिए वो 7.5 टन से ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी कि 75 क्विंटल से ऊपर उस गाड़ी का वजन नहीं होना चाहिए। अगर उस गाड़ी का वजन 75 क्विंटल से ऊपर हो गया तो वो जो है लाइट मोटर व्हीकल की कैटेगरी में नहीं आएगी। फिर उसके बाद 2A में जो है डिफाइन किया कि ई रिक्शे जो चलते हैं ना, ई रिक्शे और जो सारे व्हीकल जो कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बैटरी से चलते हैं, तो इसमें बताया गया कि जो उनकी जो बैटरी का जो कंजम्पशन होता है 4000 वाट, जो उनकी जो होती है मैक्सिमम जो उनकी एनर्जी होती है 4000 वाट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर 4000 वाट से ज़्यादा हुई तो वो भी जो है ई रिक्शे और ई व्हीकल की कैटेगरी में नहीं आएंगे। उसके बाद फिर सेक्शन 3 में जो है ये बताया गया है कि जो DL है दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर ड्राइविंग इन पब्लिक लाइसेंस, सॉरी DL जो है वो इट इज़ मस्ट रिक्वायर्ड फॉर ड्राइविंग इन पब्लिक प्लेस, अगर आप कहीं भी गाड़ी चला रहे हैं, आपको पुलिस वालों ने रोका होगा और आपसे जो है ड्राइविंग लाइसेंस मांगा होगा, ठीक है, तो वो इसीलिए क्योंकि ये सेक्शन 3 में जो है प्रोविज़न दिया हुआ है। फिर सेक्शन 4 में जो है प्रोविज़न, इसके सेक्शन 4 का प्रोविज़न मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। तो सेक्शन 4 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 ये हमको बताता है कि कोई भी पर्सन अगर 18 साल से छोटा होगा तो ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग एनी व्हीकल, ठीक है, व्हीकल मतलब यहाँ पे कार और मोटरसाइकिल दोनों आ गई, मोटरसाइकिल विथ गियर्स, ओके। और वहीं पे एक दूसरा प्रोविज़न और है, मैं आपको बता दूँ यहीं सेक्शन 4 में, कि वो सारे व्हीकल्स जिनका जो है जो एक्सीड नहीं करेंगे 50cc के इंजन को एक्सीड नहीं करेंगे, जिनका इंजन का जो साइज होगा 50cc से ज़्यादा नहीं होगा, तो वो सारी गाड़ियाँ जो है वो 16 साल और 18 साल के 16 साल से ऊपर वाले युवक और युवतियाँ चला सकती है उसको, और उसमें ऐसा कोई लाइसेंस वगैरह रिक्वायर्ड भी नहीं होता क्योंकि वो बहुत ही लाइट होती है। और वो बंदे जो कि देखिए, एक तो मैंने आपको बता दिया 18 से नीचे, जो 18 से बिलो होंगे उनको लाइसेंस वगैरह मिलेगा नहीं, और वो पकड़े जाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी, इसलिए दे आर नॉट अलाउड टू रन द व्हीकल, ठीक है, गाड़ी चलाने या स्कूटी वगैरह बाइक वगैरह कुछ भी चलाने के लिए वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उसकी जो स्कूटी, अगर स्कूटी ले लीजिए तो उसका एक बेसिकली जो साइज होता है 125cc या उससे अबव ही होता है, ठीक है, या फिर 100cc के आसपास होता है। और क्या क्या है प्रोविज़न, कि अगर किसी भी गाड़ी का जो सीसी है, सीसी आप ले लीजिए तो वो जो है इंजन का वो जो कंजम्पशन है वो 50cc से ऊपर अगर होगा तो वो 16 साल
का बच्चा जो है नहीं चला पाएगा, तो ये वाली चीज है कहने के लिए। और वहीं पे एक तीसरी चीज यहाँ पे लिखी हुई है सेक्शन 4 में कि कमर्शियल गाड़ी अगर हम चला रहे हैं, कमर्शियल कहने का मतलब कि अगर हम छोटे जो हैं ट्रक वगैरह चला रहा है या फिर कोई, हाँ कमर्शियल मतलब जिसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है, तो उसको चलाने के लिए बंदे की एज कम से कम, बंदे बंदी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं है, लड़की भी चला सकती है लड़का भी चला सकता है, तो जो एज होनी चाहिए वो कम से कम 20 साल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सेक्शन 4 में पता चलती है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज्वाइन करने के लिए, समझ रहे हैं, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है ना डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स को ज्वाइन करने के लिए, अगर आपको भी ड्राइवर बनना है तो आपके लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इंडिया पे, 20 ईयर्स ऑफ एज मिनिमम। अब देखिए जो मैंने आपको सेक्शन 3 और सेक्शन 4 बताया ना, सेक्शन 3 की अगर लाइसेंस नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है, और सेक्शन 4 में मैंने आपको क्या बताया, एज ही बताया, एज ही तो बताया ना कि सेक्शन 3 में जो है DL इज रिक्वायर्ड इन पब्लिक प्लेसेस, सेक्शन 4 में एज क्राइटेरिया, सेक्शन 5 में यही है, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, अगर ये दोनों क्राइटेरिया कोई भी पर्सन फुलफिल नहीं कर रहा है तो इस केस में उस गाड़ी का जो मेन ओनर होगा, अगर कॉमर्शियल कॉमर्शियल गाड़ियों के कंटेक्स्ट में क्या होता है कि बेसिकली जो गाड़ी का ओनर होता है उसके पास 5-6 गाड़ियाँ होती हैं, 5-6 ट्रक होती हैं, तो उसने अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट ड्राइवर रखे होते हैं, तो अगर वहीं पे वो ऐसा कोई माइनर ड्राइवर रख लेता है जो कि 20 ईयर्स की एज को कंप्लीट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी क्या है कॉमर्शियल है, तो बंदा भी जो है 20 साल से ऊपर का होना चाहिए, तो अगर वो ऐसे कोई बंदे को रख देता है गाड़ी पे तो इसके लिए यहाँ पे वो खुद आंसरेबल होगा, ठीक है। तो ये वाली बात है कि यहाँ पे जो अगर मान लीजिए कभी पुलिस उसमें पकड़ लेती है उसको चेकिंग के दौरान और ये पाया जाता है कि ये तो 18 या 16 साल का है बंदा, या इसने 20 साल की एज कंप्लीट ही नहीं की है, तो इसका दायित्व होल सोल रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, मालिक होगा, यानी कि ये चीज़ जो है एक गाड़ी के ओनर को, यानी कि एक गाड़ी अगर आप गाड़ी देते हैं किसी को, गाड़ी देखिए कि बहुत सारी प्लेसेस में क्या होता है, टूरिस्ट प्लेसेस में जैसे गोवा, नैनीताल, इन सब साइडों में जो बाहर से लोग आते हैं ना, उनको लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ देते हैं और उसके बदले में उनसे रेंट लेते हैं, तो इन चीज़ों को अपनी गाड़ियां दूसरों को देने से पहले ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपने देखा सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5, सेक्शन 5 में अगर कुछ भी अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होती तो मालिक शुड बी अवेयर एंड ही विल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल, ओके। तो ये वाली चीज जो है सेक्शन 5 में बोली गई है। तो गाइस आप जल्दी से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो इस एक्ट के हैं, ठीक है, हर सेक्शन नहीं देखेंगे हम, जैसे कि सेक्शन 8 देख लीजिए और सेक्शन 14 देख लीजिए। सेक्शन 8 में क्या है कि लर्निंग लाइसेंस विल बी प्रोवाइडेड, ओके, यानी कि जो देखिए एक लाइसेंस जब भी हम बनाने जाते हैं, अब मुझे नहीं पता आजकल क्या क्राइटेरिया है, लेकिन जब मैं अपने टाइम पे जब मैं 12th में था 2014 के आसपास जो है, तो उस समय मैंने लाइसेंस बनाने गया था, तो क्योंकि मैं जो है 18 तो क्रॉस कर लिया था शायद, या 18 के आसपास ही था, तो जो है मेरा फर्स्ट जो है पहले लर्निंग लाइसेंस बना था और वो जो है 6 महीने के लिए वैलिड भी था। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं सेक्शन 8 में कि लर्निंग लाइसेंस विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग फॉर लाइसेंस। सबसे पहले उन्हें लर्निंग लाइसेंस मिलेगा और जो कि 6 महीने के लिए वैलिड होगा, और इसकी वैलिडिटी कहाँ डिफाइन की है, सेक्शन 14 में। सेक्शन 8 में दिया गया कि लर्निंग लाइसेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, और सेक्शन 14 में ये बताया गया कि उस लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी कितनी होगी, ओके। और सेक्शन 39 देखेंगे, सेक्शन 39 में जैसे हम नई गाड़ी लेते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन फीस ये वो, तो जो आरटीए से जो रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाते हैं वो चीज़ जो है नेसेसरी है रोड में गाड़ी चलाने के लिए, ठीक है। आपको आरसी मिलती है ना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो वो सारी चीज़ जो होती है सेक्शन 39 में इसके लिए प्रावधान दिया गया प्रोविजन की रजिस्ट्रेशन इज एसेंशियल टू ड्राइव व्हीकल इन पब्लिक प्लेस। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको समझ में आया, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। तो आई होप अभी तक आपको मैंने जितने भी सेक्शन समझाए हैं, जो कुछ भी समझाया आपको समझ में आया होगा। अभी बढ़ेंगे कहानी में, और भी बढ़ेंगे आगे की तरफ और चलेंगे, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं आपको बताता हूँ लेकिन एक एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि जो अगला मैं सेक्शन आपको बताने जा रहा हूँ आप वो एग्जाम्पल को देख के काफी अच्छे से समझ सकते हैं। तो गाइज ये देखिए मैं एक चीज दिखा रहा हूँ आपको, गाइज जैसे ये मेरी बाइक है, ठीक है, और ये देखिए ये ब्लैक कलर है, मैट इन ब्लैक कलर है। अगर मैं इसके रंग में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, या इसको जो है ये देखिए अभी इसका साइज देख लीजिए, ठीक है, इसका फिगर मतलब बॉडी शेप साइज सब कुछ देख लीजिए, ठीक है। जो अगला जो मैं आपको सेक्शन बताने जा रहा हूँ इससे रिलेटेड है, तो ये आपने देखा ये कुछ ऐसी है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर दूँ और इसको मैं ऐसे बना दूँ, तो बताइए ऐसा चल पाएगा क्या? तो मतलब कहने का मतलब यह है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब आपने गाड़ी खरीदी है आरटीओ से रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो उस टाइम पे जिस सेप साइज कलर में गाड़ी आई थी उसके संग कोई छेड़छाड़ नहीं होगा,
यानी कि जो अभी मैंने आपको दिखाया वो गाड़ी वैसे ही रहेगी, मैं उसमें पेंट करके उसे लाल नहीं बना दूंगा। इस गाड़ी को मैं, जो ब्लू वाली मैंने आपको दिखाई, इसको मैं पेंट करके सफ़ेद ऐसा नहीं बना दूंगा, इसमें इसको मॉडिफाई करके मैं स्कूटी नहीं बना दूंगा या कार नहीं बना दूंगा। वो चीज़ जो है रोड में नहीं चलेगी, क्योंकि बहुत सारे आपने एक्सपेरिमेंट में देखे होंगे, ठीक है, वो क्या कहते हैं, बहुत बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और चैनल्स में मैंने देखे हुए, तो ऐसा जो है रोड पे नहीं चल पाएगा। आप अपने घर पे, घर की बाउंड्री के अंदर रह सकते हैं, आप एक दायरे के अंदर रह सकते हैं, लेकिन उसे ऐसी पब्लिक प्लेस पे नहीं लेके जा सकते, और बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। अगर आप ऐसी गलती कर देते हैं और कभी पुलिस वाले आपको पकड़ लेते हैं, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार है, ठीक है। तो ये देखिए, अगला जो सेक्शन मैं आपको बता रहा था यही है सेक्शन 52, कि नो मॉडिफिकेशन इन बॉडी साइज कलर ऑफ व्हीकल इन इट शैल रिमेन इन द सेम कंडीशन वाइल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। और इसमें एक चीज़ ये देखिए गाइस, बहुत सारा क्या होता है कि हम जब गाड़ी खरीदते हैं तो वो होती है पेट्रोल कार या डीजल कार होती है, तो हम क्या करते हैं, एक किट लगा देते हैं, उसमें CNG बना देते हैं, उसको LPG बना देते हैं, तो ये वाली चीज़ जो है हम कर सकते हैं, ऐसा इसमें ये वाली चीज़ जो है इसको एग्जेम्पशन मिलेगी, ठीक है। ये जो पेट्रोल किट जो होती है, ये गैस किट होती है ना, ये हम लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें ये चेंजेस आप ये मत लीजिएगा कि ये भी नहीं हो सकता, ये चीज़ हो सकती है। फिर उसके बाद देखते हैं अगला सेक्शन, सेक्शन 67, ठीक है। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक पॉलिसी एंड इवन इश्यू डायरेक्शन फॉर वेलफेयर ऑफ मार्केट पब्लिक वे पब्लिक ट्रेडर्स डाइवर्टिंग रूट्स। लाइक ये समझ लीजिए, जैसे हम होली या दिवाली के टाइम पे किसी मार्केट में बहुत सारी भीड़ लगी रहती है ना, तो होता यह है कि हमें उस मार्केट वाली एरिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, वहाँ पे हम गाड़ी नहीं लेके जा सकते, बोलते हमसे कि आप अपनी गाड़ी यहीं पे लगा दीजिए। बहुत सारी ऐसी जगह है, मैं दार्जिलिंग गया था, वहाँ पे भी जो ऊपर वाली जो एरिया है टाउन हॉल टाइप का, तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग अक्सर, जो क्या करते हैं अपनी गाड़ी जो है चला के नहीं लेके जा सकते, गाड़ी वो लेके जाते हैं लेकिन वो पैदल लेके जाते हैं, और जैसे ही उस पूरे कंपाउंड से निकल जाते हैं, पार कर जाते हैं, तो तब जाके वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे लॉज हैं जो वहाँ की एक लोकल गवर्नमेंट बना सकती है, उनको उनके लिए ऐसे जो है लॉज वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड कर सकती है। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का ये लॉ है मोटर व्हीकल एक्ट, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास उनको ऐसी पावर है कि वो अपने अकॉर्डिंग समय समय पर जो है लॉज वगैरह यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो गाइज, अब चलते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ। देखिए, सेक्शन जो इम्पोर्टेंट वाला है, जो मुझे लगता है आप लोग को बताना चाहिए, वो है 185, 186 और 89। तो आप नाम से ही समझ जाएंगे, इसमें समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कि पनिशमेंट फॉर ड्रिंक एंड ड्राइव, ठीक है। अगर पहली बार पकड़ा जाता है तो कोई वो 6 महीने के लिए उसको कैद हो सकती है, या फिर 2000 रुपये का फाइन हो सकता है, और अगर दूसरी बार पाया जाएगा तो सेकेंड ईयर यानी कि 2 साल के लिए कैद हो सकती है, और फिर 3000 का फाइन होगा। तो ये समझ रहे हैं आप, चलिए मैं आपको समझाता हूँ काफ़ी अच्छे से। तो आपने देखा सेक्शंस मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने डेफिनेशन पढ़ ली होगी कि क्या लिखा हुआ उसमें। तो उसमें कहने का मतलब वो ये कि अगर आप नशे की हालत में कहीं पाए जाते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइविंग वाला केस अगर आप पे है, ठीक है, मतलब केस लगता है आप पे, तो उसमें आपको क्या क्या जो है फाइन्स लग सकती हैं, क्या क्या आपके लिए पनिशमेंट है, तो ये सारी प्रोविजंस दिए हुए हैं। देखिए, पहले वाले में ये है कि अगर आप पहली बार पकड़े जाते हैं लाइफ में कि ड्रिंक करते हुए पाए जाते हैं और पकड़े जाते हैं, पुलिस वाले आपको रोक लेते हैं, आपका चालान काटते हैं, तो फर्स्ट टाइम जो है आपका जो है चालान कितने का होएगा, जो पहले होता था 2019 से पहले, ठीक है, वो कितने का होता था, वो होता था 2000 का, या फिर अगर आप फाइन नहीं पे करते तो आपको 6 माह की सजा अधिकतम, एंड इट इज बेस्ड अपॉन द डिसीजन ऑफ जज, ठीक है। और फिर उसके बाद सेकंड टाइम अगर आप पकड़े जाते हैं, ठीक है, एक बार आप पकड़े गए, आप नहीं सुधरे, आप दोबारा फिर पी पा के गाड़ी चला रहे, तो आपको 3000 रुपये का फाइन देना पड़ेगा वहां पे, और जो है साथ में आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है, इनकेस इफ यू आर नॉट एबल टू फिल द फाइन, ओके। तो ये वाली चीज थी सेक्शन में 185, पनिशमेंट फॉर ड्रिंक एंड ड्राइव, राइट गाइज। और हाँ, अब एक चीज तो मैं आपको बताना भूल गया, 2019 के बाद जो है अमेंडमेंट हुआ, तो अभी जो करंट में जो प्रोविजन है वो कितने तक का फाइन है, वो 10,000 रुपीज तक का फाइन है, ठीक है, इसमें ना 2000 ना 3000, सीधा 10,000। तो आपने देखा होगा बीच में जब ये मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में रिफॉर्मेशन आए थे, कई लोग अपनी गाड़ियां चला रहे थे, कई लोग कुछ भी कर रहे थे, फाइन हो जा रहा था 50,000 का, देखा होगा आपने, है ना। तो वो सारी चीजें थी, ये जो मेंटल और फिजिकल अनफिट वाली बात मैंने आपको बताई थी, ये जो है 186 सेक्शन में थी, ठीक है। 189 मैंने आपको बताया कि रेस विद द परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और एनी हाई अथॉरिटी इन दैट पर्टिकुलर प्लेस। अब अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, अगले सेक्शन में बोला गया है डेंजरस व्हीकल।
अगर आप किसी ऐसी गाड़ी को पब्लिक प्लेस में चला रहे हैं जो कि काफी डेंजरस है, जिससे काला काला धुआं निकल रहा है, आपने रिपेयर नहीं करवाई है और उससे इन्वायरमेंट को भी नुकसान हो रहा है, तो ये तो इन्वायरमेंट वाली मैंने आपको बताई। या फिर कोई ऐसी गाड़ी मतलब जो रोड में चलने की कंडीशन में ही नहीं है, ठीक है, किसी भी रिस्पेक्ट में, उसके ब्रेक फेल है या उसकी सर्विस नहीं करवाई है आपने, बहुत मतलब इट इज़ नॉट एबल टू रन इन द रोड, सो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है, आपको फाइन देना पड़ सकता है। तो जानेंगे कितना फाइन देना पड़ सकता है। देखिए एट प्रेजेंट तो 10,000 के आसपास जो है आपको फाइन देना पड़ेगा 2019 के बाद जो मोटर व्हीकल एक्ट है, लेकिन पहले जो 1988 का जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग आपको 250 रुपीज का फाइन देना पड़ता है अगर आप उस गाड़ी को किसी पब्लिक प्लेस में लेके भी जाते हैं तो। हाँ अब ठीक है, आप अपने कंपाउंड के अंदर रख सकते हैं, उसे चला सकते हैं, यहाँ से वहाँ कॉलोनी में लेके जा सकते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेस में अगर आप लेके गए तो अगर आपकी चेकिंग के दौरान आपकी चेकिंग हो गई तो उस समय जो है आप फंस जाएंगे, ठीक है। और हो सकता है आपकी गाड़ी सीज भी हो सकती है, डिपेंड्स कि मतलब उस गाड़ी की कंडीशन कैसी है। और क्या हो अगर आपने उसी गाड़ी से जो है एक्सीडेंट कर दिया है, वही खराब कंडीशन वाली गाड़ी जो रोड में लाने के लायक भी नहीं थी, और उसी गाड़ी को आप रोड में भी ले आए और आपने किसी को ठोक भी दिया, ठीक है, और वहाँ पे एक्सीडेंट कर दिया, तो तब क्या फाइन हुआ करता था 2019 से पहले, तो तब फाइन हुआ करता था 250 रुपीज, तो सिर्फ रोड में लाने के लिए, पकड़े गए तो सीधा फाइन भरो, और 1,000 रुपीज अगर आपने उससे किसी का एक्सीडेंट कर दिया है, और पनिशमेंट मिलेगी वो तो अलग मिलेगी, लेकिन ये सिर्फ खराब गाड़ी लाने के लिए जो पनिशमेंट थी वो है, और साथ में 3 महीने की सजा भी होगी, ठीक है। तो ये प्रोविजंस थे। तो गाइस स्टे ट्यून्ड, जानने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है, और जो कुछ भी मिलेगा सब सच ही मिलेगा, ठीक है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा गाइस। और भी बहुत सारे अभी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो जाइएगा कहीं मत, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे इन माय चैनल, एंड आपको अभी बहुत सारी वीडियोस मैंने आपको डाल के देनी है, तो देखते रहिए उनको, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पक्का आने वाली है।